फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इंडियन करेंसी के नोट यानी भारतीय रुपए के नोट किस चीज से बने होते हैं? ज्यादातर लोगों का ये कहना होगा कि नोट कागज से बने होते हैं, तभी तो नोट फट जाते हैं। लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि नोट कॉटन के बने होते हैं। जी हाँ, 75% कॉटन और साथ ही 25% लिनन भी उसमें मिलाया जाता है, जिससे थोड़ी मजबूती आ जाए, नोट आसानी से फटे नहीं और थोड़ा पानी से भी बच सके। जैसे आपका कोई नोट अगर गीला हो जाता है तो आप उसे सुखा कर फिर से यूज करते हैं ना, वो बचा रहता है, पूरी तरह से गल नहीं जाता है। और भारत ही एक ऐसा देश नहीं है जहां पर कॉटन के नोट बनते हैं, और भी ऐसे देश हैं जहां कॉटन के नोट बनाए जाते हैं। बड़े बड़े देश जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम्स में भी करेंसी के नोट कॉटन के ही बनाकर यूज करते हैं। इसका ये भी फायदा होता है कि नकली नोट बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि 75% और 25% का ये मिक्सर बनाना इतना आसान नहीं होता। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।